ऐसी कोर्ट को सलामी देते हुए रेड हाउस के बच्चे अब गुजर रहे हैं। काफी संख्या में रेड हाउस के बच्चे यहाँ नजर आ रहे हैं। रेड हाउस के बच्चे गुजरते हुए ये कहा जा सकता है कि रेड हाउस के बच्चों के पीछे अब जो फौज आ रही है, जो बच्चे हैं, जो खेल के प्रति खेल की भावना से वो क्रोध और खेल की भावनाओं से उनका तन मन जो तरंगित नजर आता है इस समय, वो है अब पीछे की तरफ येलो हाउस के बच्चे, जो अब हमारे स्टेज के समक्ष स्टेज के सामने से वो बच्चे गुजरते हुए स्टेज के समक्ष से गुजरते हुए येलो हाउस के बच्चे ऐसे घुमा देना है, ऐसे घूमना है। और अब इसके सामने से येलो हाउस के बच्चों के गुजरने के बाद बारी आती है ब्लू हाउस की। ब्लू हाउस के बच्चे हमारे स्टेज के समक्ष हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों का, जिसे आप कहते हैं कि उनके सामने से गुजरते हुए उनके सम्मान में परेड करते हुए बच्चे निकल रहे हैं स्टेज के समक्ष उनके सामने मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि के सामने से। और अब सबसे अंत में जो सबसे पीछे बच्चे हैं वो हैं ग्रीन हाउस के बच्चे, जो सबसे पीछे हैं ग्रीन हाउस के बच्चे सबसे पीछे, और वो अब इस समय गुजर रहे हैं स्टेज के समक्ष स्टेज के सामने से वो बच्चे गुजरते हुए। और ये जो प्रक्रिया है ये हाउस वाइज परेड है उनके झंडों के साथ जो आप देख रहे हैं आज इस छठी वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता जो कि सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की यहाँ पर आयोजित की गई है, उस मंच के सामने उस मंच के समक्ष ये बच्चे गुजर रहे हैं। ये बच्चे उनके सामने से गुजरते हुए आप देख रहे हैं इस समय ग्रीन हाउस के बच्चे सबसे अंत में गुजरते हुए, और धीरे धीरे वो बच्चे जाकर के सामने से एक स्थान बना लेते हैं और स्टेज के समक्ष ये जो आप देख रहे हैं ये जो गैप है पूरी तरह से भर जाता है। बहुत ही मनोरम लगता है और मैं बच्चों से आग्रह करूंगा और जैसे ही ये ग्रीन हाउस के बच्चे अपने पंक्ति में कतारबद्ध यहाँ पर खड़े हो जाएंगे तब मैं अपने मुख्य अतिथि और बाकी विशिष्ट अतिथि से आग्रह करूंगा कि बच्चों के ग्रीन हाउस के बच्चों के सामने और मैं आग्रह करूंगा